बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज जो टेरा लूना क्लासिक के बारे में छोटा सा वीडियो बनाऊंगा मैं। एक्चुअली यू नो बियर रन है, और इसको अगर गौर से देखते हैं इसके जो 24 आवर्स के चार्ट को, ठीक है, तो ये ऊपर जा रहा है, राइट। और 7 डेज के चार्ट को देखते हैं तो ये ऊपर जा रहा है। तो 14 डेज के चार्ट को भी देखते हैं तो ऊपर जा रहा है, और अगर हम 30 डेज के चार्ट को देखते हैं तो भी ऊपर जा रहा है। तो ऑलमोस्ट लूना जो क्लासिक वाला लूना है वो ऑलमोस्ट 30 डेज से ऊपर जाता जा रहा है। इवन वो 90 डेज से भी देखेंगे तो वो ऊपर जाता ही जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका रीज़न क्या है ये आज डिस्कस करेंगे, और अगर कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड आप पूछ सकते हो कि ये किस तरह से यू नो बाय करना है या स्टेक करना है, कैसे भी है, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो Cryptonic 1। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप यू नो लाइक एंड सब्सक्राइब करके आप क्वेश्चन भी मेंशन कर सकते हो। थैंक यू। तो चलते हैं आज टॉपिक पे। तो ये बर्न हो रहा है इसलिए ही ये बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। एक्चुअली बर्न तो बहुत सारे हो सकते हैं टोकन, अगर ऐसे ही हर टोकन जाने लग गया तो यू नो ये तो सेंट्रलाइज काम हो जाएगा। बट मैं इस टोकन की बात कर रहा हूँ, टेरा लूना क्लासिक। इसके अंदर यू नो लोगों का विश्वास काफी खो चुका था, और खोने के बाद फ्रेंड्स यू नो दोबारा बिल्डअप होने में बहुत ये दिक्कत होती है, प्रॉब्लम आती है लोगों को। एक बार मन टूट जाए, बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाए, तो ऑफकोर्स कोई भी इसमें एंट्री लेना नहीं चाहता। यू नो 99% लोग लेना नहीं चाहते, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि इसके अंदर एंट्री आप ले सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो बियर रन में सारे के सारे टोकन जो डाउन है, सबसे पहले ये अप है। अप यू नो ठीक है, ये खुद भी बाय करके अप कर सकते हैं, लेकिन ये एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। टेराडोट मनी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और ऑफकोर्स यू नो इसका जो है थोड़े टाइम पहले बहुत ज्यादा डाउन ट्रेंड होने की वजह से लोगों का पैसा बहुत बर्बाद हो गया था, लेकिन अब ये बहुत पावरफुल तरीके से दोबारा यू नो काम कर रहे हैं, और आई थिंक अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और काफी टोकन है इस तरह के जो बर्न होके बढ़ते हैं, लेकिन इस बियर रन में वो भी काम नहीं करते, ठीक है। उसका रीजन एक बहुत बड़ा ये हो सकता है कि ये जो टोकन है जो बियर रन में काम नहीं करते, वो एक टोकन है और ये एक कॉइन है। कॉइन का मतलब है इनकी अपनी एक ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन के बाद इनकी टीम पहले से ही एस्टेब्लिश्ड है, स्ट्रॉन्ग है, और यू नो कि टीम पहले से ज्यादा आई थिंक काम कर रही है। और इसको जो ट्विटर के ऊपर बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ट्विटर के ऊपर ये एकदम यू नो वायरल हो चुका है। अगर आप लूंक बर्न करके लिखोगे तो अभी एक लूंक वैलिडेटर ने बोला कि दिस विल बी आवर लास्ट अपॉर्चुनिटी टू बाय लूंक इन दिस प्राइस स्टिल चीप वंस 1.2% बर्न टैक्स इज इम्प्लीमेंटेड इन 12 डेज टाइम वी विल सी द प्राइस अगेन। तो कहने का मतलब ये है कि ये अगर ये 12 दिन के अंदर ये ना आज से 12 दिन के बाद 1.2% इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, और अगर ये होता है तो यू नो अभी बहुत ज्यादा हिस्ट्री में एक नया आई विल सी प्राइस्ड हिस्ट्री इन द पास्ट। तो वो जो हिस्ट्री वाला जो प्राइस था वो पास मतलब देख सकते हैं जो पास्ट में था, ठीक है। तो इसके बाद queen.eth ने बोला है कि लूंक वॉल्यूम ऑन बाइनांस 876 बिलियन, तो ये अपने आप में बहुत होता है। इफ 1.2 बर्न मैकेनिज्म वाज इंप्लीमेंटेड वी वुड हैव बर्नड 9 बिलियन लूंक इन 24 आवर्स। तो समझ लो कि 9 बिलियन जो डॉलर लूंक है वो अगर ये एक बार में 24 आवर्स में बर्न हो जाते हैं फ्रेंड, तो यू नो बहुत ही ज्यादा प्राइस अप होने के चांसेस है, ठीक है। तो यू नो एक धमाका सा हो जाएगा, लूंक एकदम लोगों को यू नो शॉक कर देगा अगर ऐसा होता है तो। डिड यू वॉन्ट टू हेल्प बर्न लूंक? तो यू नो काफी लोग इसको सपोर्ट करते हैं और कर रहे हैं, इवन बाइनांस का जो CZ है उसने भी इसको यू नो सपोर्ट किया है। अभी मैं उसका भी ट्विटर दिखा दूंगा। देखिए बाइनांस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज बाय वॉल्यूम एंड कम्युनिटी ऑफ लूंक हैव बीन आस्किंग फॉर 1.2% टैक्स बर्न।
जो भी टैक्स जो है बर्न करने के लिए कम्युनिटी बोल रही है लूम की, और लेट्स सी ये जो बाइनेंस है वो क्या करते हैं, बिकॉज बाइनेंस भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं आजकल. तो दिस अपडेट विल बी इंट्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड लूम 1.2 बर्न टैक्स विच वॉज एसेंशियल बर्न 1.2% ऑफ फीस एवरी सिंगल ट्रेड. जो भी फीस होती है एवरी सिंगल ट्रेड की उसके बर्न करने के लिए बोल रहे दिस टर्न्स लूम बुलिश. यू नो ये जो बाइनेंस पे जो भी वॉल्यूम है इसका उसको यू नो फीस को बर्न करने के लिए बोल रहे हैं. तो वुड यू लाइक टू बर्न डॉलर लूम एज आवर फर्स्ट स्टेप आफ्टर ग्लोस्टोन. यू नो ग्लोस्टोन कोई टोकन होगा या उसके बर्न के बाद, मतलब इसका जो टोकन है इसको बर्न करने के लिए, यू नो वुड यू लाइक टू बर्न, तो यू नो फॉलो ग्लोस्टोन टोकन. तो ये ग्लोस्टोन टोकन कुछ होगा इसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है. बाइनेंस सपोर्ट लूम बर्न. तो अमांडा है, काफी यू नो इन्फ्लुएंसर निकल के आ रहे हैं जो लूम जो बाइनेंस को बेसिकली इंसिस्ट कर रहे हैं ये यू नो इम्प्लीमेंट करने के लिए. ब्लॉक अंटिल स्टेकिंग एक्टिव, ब्लॉक अंटिल टैक्स प्रिपेयर्ड, और ब्लॉक अंटिल न्यू वैलिडेटर. इसके डाटा दिखाया गया है. तो प्रॉफिट आर डिवाइडेड 10% लूम बर्न, 50% टेरा रिबल टीम, और ये कुछ 20% क्रिएट 100% कम्युनिटी सपोर्ट. व्हाट यू थिंक कैन लूम गो टू 100 इन 2023? यू नो काफी लोग यू नो ट्विटर पे तो एक बहुत तरह से मतलब इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. काफी लोग इसको यू नो प्राइस इंप्लीमेंट हो रहा है, काफी वॉल्यूम आ रहे हैं. देखो इस जो प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी वेल नोन हो पहले, ठीक है उसमें स्कैम हो गया था या कुछ भी यू नो कुछ मिस्टेक्स हो गई थी जिसकी वजह से वो उसका प्राइस नीचे गया. लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर इसी तरह से यू नो ट्विटर पे इन्फ्लुएंसर ने बार बार बोलते गए और प्लस इसमें वॉल्यूम यू नो इन्फ्लुएंसर की वजह से भी आ जाता है, तो वॉल्यूम इन्फ्लुएंसर और ये जो बर्निंग इंप्लीमेंट करेंगे अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर जैसे ही कर रहे हैं, यू नो कई टोकन बढ़ नहीं पाते बिकॉज यू नो बर्न तो हो जाता है लेकिन जो ब्लॉकचेन उसको अप्रूव नहीं करती, कंफर्म नहीं करती, जिसकी वजह से बर्न कहीं ना कहीं यू नो उतनी पावरफुल नहीं रहता. जैसे यू नो काफी टोकन है, जैसे शिबा भी इस टाइम डाउन है. यू नो बर्निंग के मामले में शिबा भी बहुत टॉप लेवल पे था, बट ये अभी नहीं है. अभी केवल जो टॉप लेवल पे चल रहा है बर्निंग के मामले में वो चल रहा है लूम, बिकॉज इनकी अपनी ब्लॉकचेन है. ये जो भी करते हैं इम्प्लीमेंट वो इम्प्लीमेंट के साथ साथ बर्न, बर्न के साथ इम्प्लीमेंट एक्चुअल में ये करते जाते हैं, जिसकी वजह से सप्लाई एकदम एक्चुअल दिखती है ब्लॉकचेन के ऊपर. तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं यू नो सीजेड बाइनेंस को वो कर रहे हैं, टैग कर रहे हैं. यू नो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा यू नो हो सकता है. ये देखो लूना क्लासिक एचक्यू, इन्होंने लिखा है बाइनेंस विल सपोर्ट लूम बर्न, बाइनेंस विल चार्ज 1.3 फीस एंड बर्न 1.2 फीस टू ऑफ द फीस. एक 1.3% ये 1.30% ये फीस को यू नो वो लगाएंगे लेकिन उसमें से बर्न जो करेंगे 1.2% फीस को बर्न कर देंगे. रिट्वीट इफ यू वांट लूम बर्न. यू नो काफी जगह इसको यू नो बिल्कुल हंगामा दिख रहा है. और इसके बाद जो मैसी बर्न लूम बिकॉज ही इज ए गुड डैड, लूना क्लासिक इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं ये ट्वीट को. और ही विल कैरी आउट विल ऑफ दिस कम्युनिटी, रिट्वीट एंड बोर्ड सीजे बाइनेंस एंड वी लव सीजे बाइनेंस एंड बाइनेंस लूम बिकॉज बाइनेंस सपोर्ट करता है. तो लूना क्लासिक इसको भी इसको भी यू नो इनके ट्वीट को यू नो आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं जो है इन्फ्लुएंस के द्वारा, सीजेट के द्वारा या किसी भी यू नो बड़ी जो ट्वीट के द्वारा लूम को बहुत ऊपर ले जाने की कोशिश की जा रही है. तो फ्रेंड्स कहते हैं कि ना कि जब भी कुछ होता है तो पूरी कम्युनिटी उसमें आती है, तो बहती गंगा में हाथ धो लेने चाहिए. तो आप भी इसमें थोड़ा सा यू नो मैं ये नहीं कहता कि लूम ये दो दिन की चीजें थी, अगर ये काम कर रहे हैं तो अगर इसमें $10-20 डाल दिए जाए इट्स नॉट ए बैड थिंग. ठीक है $10-20 यू नो क्रिप्टो में किसी के चले भी जाए तो आफ्टर 2-3 दिन बाद भूल जाता है,
या उसको अफसोस थोड़े दिन के लिए होता है, उसके बाद ठीक है। बट यू नो मुझे लगता है कि 10 से 20 डॉलर इसमें डाल के आप छोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं वो कुछ भी हो सकता है, ऐसा बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है कि आपका 2 का कितना भी डॉलर हो सकता है। मैं 1000 2000 तो नहीं बोल रहा, यू नो ये गलत होगा ये कहना, यू नो एक तरह का लालच होता है, बट ये मुझे लगता है लुंक बहुत ऊपर जा सकता है। इसको स्टेक करके छोड़ सकते हैं आप 10 डॉलर को, और स्टेकिंग रिवार्ड बड़ा जबरदस्त मिल रहे हैं। अगर आप इसकी एप्लीकेशन जो वॉलेट है इसका डाउनलोड करें, उसमें आप अगर इसको लुंक को रखें आफ्टर 6 मंथ और 7 मंथ के बाद इसको निकालें तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है मुझे लगता है। बिकॉज ट्विटर पे बहुत जबरदस्त लुंक लूना क्लासिक के चार्ट्स और यू नो इन्फ्लुएंस बहुत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर ने रिस्क जरूर लिया होगा इसके अंदर। देखो सारा रेड है इसके अंदर, पर केवल जो लूना है वो वाइट है, वाइट नहीं सॉरी ग्रीन है। तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं जो लूना है बहुत पावरफुल तरीके से अपना काम कर रहा है। इसकी अपनी ब्लॉकचेन एक प्रॉफिटेबल यू नो रीजन हो सकता है कि भाई एक वैलिड रीजन हो सकता है कि अपनी ब्लॉकचेन है तो काफी चीजें इनके हाथ में भी होती है। चलो एनीवे तो ये छोटा सा था, छोटा सा एक यू नो रिव्यू था लुंक के बारे में। आपको पता है करता क्या है, लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या करना है वो भी आप देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर। और जो नए बंदे हैं प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड हमारे जो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए, उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है आपको। ठीक है, हम कोशिश करते हैं अच्छे प्रोजेक्ट आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए, और उसमें से अच्छे प्रोजेक्ट जो हम आपको इंट्रोड्यूस करते हैं उसमें से आप अपने अच्छे प्रोजेक्ट चुन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।